अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। असल में मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और इनकी तबीयत अब भी नहीं संभली है। मैं आप तमाम अपने फ्रेंड्स से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। एंकर थ्रेड यूज़ कर रहे हैं कॉटन का, और क्रोशिया हुक हम यूज़ कर रहे हैं 10.075 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इस थ्रेड को अपने जिस भी चीज़ पे हम बना रहे हैं उसके साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद अब ये देखिए, इसे हम होल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन्स ले लेंगे। 7 चेन्स लेने के बाद ये जो हमने होल्ड किया हुआ है थर्ड चेन, इसमें हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। इन टू लूप्स को हम इकट्ठा क्लोज करेंगे, इन टू लूप्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे। ये देखिए, इससे हमने थ्री चेन लेनी है, 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेने के बाद ये देखिए, इसी स्टिच में हम जहाँ से हमने अटैच किया था यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस थ्रेड को आउट करेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहाँ से भी हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। अब इनको इस तरह इकट्ठे करते हुए तीनों को इकट्ठा क्लोज कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने यहाँ से ये जो ऊपर वाला हमने बनाया है सर्कल सा, इसमें हमने डबल क्रोशिया लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन्स लेनी है। 4 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। 3 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेने के बाद अगेन हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब इस स्पेस में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पर भी हमने 6 डबल क्रोशिया ले लिया। 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3, 4 फोर चेन्स लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हमने 1, 2, 3 थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद हमने ये देखिए, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है, एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है, और दूसरा हमने थोड़ा सा फासला देते हुए यहाँ से दोबारा इस थ्रेड को उठाना है और इन तीनों को हमने इकट्ठा क्लोज करना है।
3 लूप्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे, अगेन इसे टर्न करेंगे। अब टर्न करने के बाद ये जो हमने स्पेस बनाया है इसमें 6 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3, 4 4 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में ही डबल क्रोशिया ले लेंगे। 3 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3 3 चेन्स लेने के बाद टर्न करेंगे और इस स्पेस में डबल क्रोशिया ले लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3, 4 4 चेन्स लेनी है, सेम स्पेस में डबल क्रोशिया लेना है। 1, 2, 3 3 चेन्स लेनी है, 3 चेन्स लेने के बाद अब इस सिंगल क्रोशिया में एक टाइम अपनी थ्रेड को आउट करना है और थोड़ा सा स्पेस देते हुए अगेन यहाँ से भी अपनी थ्रेड को आउट करेंगे। इन तीनों लूप्स को इकट्ठा क्लोज करेंगे, टर्न करेंगे। ये देखिए, ये वही प्रोसेस है जो हम यहाँ से करते हुए आ रहे हैं और इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बना के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा बन के आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बनाया हुआ डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।